आज इंडियन एंटरप्राइज ने हमारे लिए जो कुछ किया है हम सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को हमारा ही कॉरपोरेट सेक्टर खोखला बना रहा है, उसके बारे में कोई कॉरपोरेट सेक्टर को चेतावनी देने के लिए तैयार नहीं, कोई राजनीतिक दल देने को तैयार नहीं। शायद एक आध हो सकते हैं एक्सपीरियंस। हम जानते हैं कि हमारे खानों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, हमारे खनिज पदार्थों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन कौन है जो कि आज ये सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आर माइंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आर मिनरल रिसोर्सेज, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज, how much are you going to use today, tomorrow, the day after, in a way in which our future generations will also be looked after? कोई नहीं पूछ रहा है। कोलकाता में मैंने कोई 50 बड़ी कॉर्पोरेट्स को एक पत्र लिखा कि बचत करके भी कोई चीज होती, आप मुझे ये बताएं कि बिजली और पानी, बाकी आपके मिनरल रिसोर्स, आपके रॉ मटेरियल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मात्र बिजली और पानी आप मुझे बताएं कि आप जिस तरह उसका, इन दोनों चीज़ों का जो उपयोग कर रहे हैं, क्या वो सही मात्रा में कर रहे हैं, आवश्यकता के अंदर या आवश्यकता से ऊपर, और अगर आवश्यकता से ऊपर कर रहे हैं तो आप कितनी बचत कर सकते हैं। ये हमारा जो प्रदेश है वो बिजली डिफिशियंट प्रदेश है, आप बताएं। जिस पते से मैं लिख रहा था उस पते की कुछ गरिमा है। आपको ताज्जुब होगा कि मुझे एक कॉर्पोरेट हाउस से एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला, और वो इसलिए कि वो जानते थे कि राज्यपाल जो होते हैं वो तो अलंकार मात्र होते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो ही निर्णायक होते हैं। इनको हम जवाब देकर क्यों अपना समय व्यर्थ करें, पानी की बचत न करें, हम समय की बचत करते हैं, इनको जवाब नहीं देते। मुझे एक सभ्य महिला, वहाँ कहना चाहिए भद्रो महिला का एक बार बहुत प्यारा सा पत्र मिला। आई एम ऑनर्ड सर टू बी राइटिंग टू द फिगर हेड ऑफ द स्टेट। कांग्रेस जानते कि फिगर हेड कौन है, असली सत्ता किसके हाथ में है। इसी ने मुझे बचत के बारे में जवाब दिया। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1967 में अपने गणतंत्र दिवस अभिभाषण में कहा था, 67 की मैं बात कर रहा हूँ, वॉर्न द कंट्री अगेंस्ट ग्रोस मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसी। उसके मुकाबले आज अगर होते हमारे साथ तो राधा कृष्ण शायद एकदम मौन हो जाते, कोई पूछ नहीं रहा है। दुनिया भर में जागरूकता है इस बारे में, हम में नहीं। हम कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी कंजम्पशन लेवल्स को रोकना है, सही बात है। उन्होंने जिस तरह दुनिया में कंजम्पशन लेवल्स बढ़ाए हैं और पोल्यूशन बढ़ाया है उसके हमारे साथ मुकाबला नहीं हो सकता, उनको करना चाहिए। लेकिन उसको बहाना बनाकर अगर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर कुछ न करें, वो चुप बैठे, तो भारत के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड है,
जो सेकेंड वर्ल्ड है वो थर्ड वर्ल्ड की जनता के पीछे छुप कर अपने लुटेरेपन को बचा रहा है। ये आज के हकीकतों में एक बहुत बढ़िया हकीकत है, लेकिन कोई ये कड़वा सच बताएगा नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं करेगा। यही कहेंगे कि फलां फैक्ट या फलां राजनीति में अपने आप को बनाए रखना चाहता है। तो भाइयों बहनों, हमारा जमाना एक ऐसा जमाना है जिसमें हमें आशा की किरणें कम, निराशा का तमस ज्यादा दिख रहा है। मेरा मानना है यह परिस्थिति बहुत समय नहीं चल सकती, और अगर नहीं चल सकती है तो किस तरह बदली। वो बदलेगी इस तरह कि बहुत सारे राजनीतिक एक्सपेरिमेंट एक साथ चलेंगे, और हर एक्सपेरिमेंट में हम मिश्रण पाएंगे, वही मिश्रण जो चार्ल्स डिकेंस दिखा चुका है। देयर विल बी होप, देयर विल बी डिस्पेयर, देयर विल बी लाइट एंड देयर विल बी डार्कनेस। जब भी कोई आशा की किरण दिखती है तो एकदम खप करके उस पर एक दूषित बादल छा जाता है और उसको ढक देता है। कल तक तो हमें लग रहा था कि कितनी बड़ी कितनी बढ़िया बात हुई है, आज हाल कुछ अलग रहता है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स बहुत महंगे होते हैं। वो किसी लेबोरेटरी में नहीं चलते, राजनीतिक और सामाजिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी जिंदगी के, वो हमारी रोजमर्रा की समस्याओं में खेले जाते हैं। आप सबके मन में, मेरे मन में प्रश्न है, वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड दैट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज आई थिंक वन ऑफ द थ्री थिंग्स फॉर विच इंडिया इज ट्रूली चेरिश्ड इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट इज आई बिलीव द ताजमहल, द सेकेंड इज द मैन इन हूज मेमोरी वी आर गैदर्ड हियर टुडे, महात्मा गांधी। थर्ड इज our democracy. The Taj, Gandhi and Indian democracy are the three things for which the world really respects India. तो इन तीनों के बारे में मैं एक दो शब्द कहकर समाप्त करूँगा। The Taj